अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं बीच में पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। बीच में मेरे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा व्लॉग थोड़े लेट लेट आते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा इमोशनल, क्योंकि आज आपको आगे चल के पता लगेगा कि क्यों इमोशनल होने वाला है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं आज का खाना। खाने में मैं बना रही थी कढ़ाई, तो ये इसकी है लुक प्रॉपर, इसकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा दूँगी एंड में। तो ये बन रही थी, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं इसकी भी आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड कर सकूँ। अच्छा जी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्लॉग था ना, ये ईद से पहले का था और मैं बस बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो इस वजह से मैंने ये अब मुझे एडिट करने का टाइम मिला है और अब मैं इसको एडिट करके तो वॉइस ओवर करके तो मैं अपलोड कर रही हूँ। तो आपने ज़रा थोड़ा प्यार दिखाना है इस व्लॉग पर भी, ताकि मैं और मुझे थोड़ी मोटिवेशन हो। जब आप लोग नहीं लाइक शेयर करते हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मेरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले ना ये बैकग्राउंड की जो वॉइस आपको आ रही हैं इनको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, बाहर कोई ना कोई आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी रिकॉर्डिंग में आवाज़ें आ रही होती हैं और मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं होता और मैं कब रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पैकिंग की है। पैकिंग ये मैंने आपके सामने ये सारे मैंने आपको दिखा दिए, ये चीज़ें रखी हैं। पैकिंग आपको पता है लड़कों की क्या ही पैकिंग होती है। अच्छा, मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि ये पैकिंग क्यों करें हैं। बिकॉज माई ब्रदर इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्री फॉर सम पर्पज़, वो किसी मकसद की वजह से जा रहा है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा किधर जा रहा है। अपने व्लॉग में मिस नहीं करना आगे, अगर मैं आपको बता दूंगी तो। ठीक है, ये हमारी हो गई पैकिंग। अब बैग शेक हम लोग करते हैं पैक। बैग शेक पैक करने के बाद हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट उसको ड्रॉप करने, तो वो भी आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, वो भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। ठीक हो गया जी, तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है ना, वो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोगों ने मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अब हम लोग अपने सफ़र की तरफ। अब हम लोग करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। हम लोग जा रहे थे उसको ड्रॉप करने, ये हम लोग तकरीबन रात के 1:30 बजे के करीब का टाइम था, तब हम लोग जा रहे थे उसको ड्रॉप करने और हम लोग अब पूरी रात वहीं पर स्टे करने वाले थे, तो फिर इसलिए हम लोग सारे साथ जा रहे थे। ठीक है जी, तो आप ये देखें और इसको लाइक भी कर दें। जी, तो ये हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। यहाँ पे हम लोग ज़रा पार्किंग शार्किंग करते हैं और उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम लोग पार्किंग करके रुक गए थे, क्योंकि हमारे जो भाई था ना, वो दूसरी गाड़ी में था, वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं था, तो तब तक हम लोग थोड़ी देर उसका यहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, एक प्लेन मुझे वहीं पर नज़र आ गया था जो शायद लैंडिंग कर रहा था या पता नहीं क्या कर रहा था, शायद फ्लाई होने लगा था। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं अंदर एयरपोर्ट में और देखते हैं क्या टाइमिंग शाइमिंग है, कब उसकी बोर्डिंग शूटिंग होगी और सब कुछ कब होगा। बाकी सारा जो प्रोसेस होता है एयरपोर्ट का, वो हम लोग करवा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा पूरा, इतनी रात थी लेकिन इस तरह लग रहा था जिस तरह अभी भी यहाँ पर दिन का टाइम है। Thank you.
जी तो अब द मोस्ट इमोशनल टाइम था जब भाई ये हमारा जा रहा था लास्ट गुड बाय दिस वाज। तो ये देखिए हम लोग ये जा रहा है बाय बाय, इसको हम लोग कर रहे हैं एंड एवरी बज वॉज सो इमोशनल एट दैट टाइम, हर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो जी ये अब हम लोग ये जा रहा है और इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे और आपको पता है जब कोई चला जाए तो किस तरह का होता है। और ये हमारा जो मतलब अपने जो साथ होते हैं सिबलिंग्स वगैरह, भाई चला जाए हम बहन चली जाए तो इस तरह बड़ा इमोशनल टाइम होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइम था, बट क्या कर सकते हैं हम, यही तो ज़िंदगी है। ठीक है जी, तो ये आप देखें आगे। अब भाई हमारा चला गया, उसको हम लोग ड्रॉप कर चुके हैं एयरपोर्ट पे, वो अपना सारा प्रोसेस उसका हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अपना वापसी का सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें आते आते सुबह हो गई थी, हम लोग रात को 1 बजे निकले थे घर से और सुबह हम लोग 6 बजे वापस पहुँचे हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स को लाइक करेंगे ना तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और व्लॉग बनाऊँगी, वरना फिर इसी तरह बहुत लेट 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 आएंगे क्योंकि फिर मेरा अपना भी दिल नहीं करता। अनटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।